हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज अभी SSSB बोर्ड की तरफ से नया रिक्रूटमेंट नोटिस जारी हुआ है। इससे पहले जो हमारा रिक्रूटमेंट नोटिस जो हमारी एक्साइज इंस्पेक्टर था वो हमारा 13/5/2022 को जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे आपको सबसे पहले बताया था, और ये हमारा वही जो है उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जो हमारा एक्साइज इंस्पेक्टर का है। ये है हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 है। अगर आप कोई भी जो नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं तो हमारे आप जो हमने पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसमें सभी रिक्रूटमेंट नोटिस हमने डिटेल में वहाँ पे बता रखे हैं। तो ये हमारा जो एक्साइज इंस्पेक्टर का नोटिस है जिसमें हमारी जो पोस्टें निकली हैं 107 जो हमारी पोस्टें हैं इसमें, और इसमें देखिए सबसे पहले जो हमारी ऑनलाइन जो अप्लाई करने की तारीख है वो आज है हमारी 23/5/2022 से, और जो हमारी आखिरी तारीख है जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना जब से बंद हो जाएगा तो वो है हमारी 23/6/2022, और ये कौन सी तारीख, शाम 5 बजे तक है। जो फीस भरने की तारीख है वो है हमारी 27/6/2022 तक। तो आपने ध्यान रखना है 23/5/2022 तक आप जो है आज से अप्लाई कर सकते हैं, और जिस इसकी आखिरी तारीख है शाम 5 बजे तक 23/6/2022 तक, और जो इसकी फीस भरने की आखिरी तारीख है वो है हमारी 27/6/2022 तक। तो आगे चलते हैं हम, देखिए हमारी जो इसमें वो है हमारी जो पोस्टें हैं हमारी वो कितनी निकली हैं, 107 टोटल निकली हैं जैसा हमने पहले बताया है। इसकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, इसमें आपकी सबसे पहले जो है जो आपकी बैचलर डिग्री रहेगी कोई भी डिसिप्लिन में, और वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आपके पास 120 घंटे का कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जो पर्सनल कंप्यूटर और हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन, या आपके पास होना चाहिए DTP जो हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आता है, एप्लीकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जो हमारा ये है ISO 9001 सर्टिफिकेट के साथ। या अगर आपके पास जो आपका तीसरा एक और होना चाहिए इसके अलावा, अगर वो नहीं है आपके पास तो कौन सा है हमारे पास, जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, कौन सा, ओ सर्टिफिकेट के साथ जो हमारा इन्होंने दिया है ये वाली गवर्नमेंट के साथ DOEAC। तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है फॉर्म फिल करने से पहले। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैटेगरी वाइज, ये हमारे सबसे पहले तो इन्होंने वैकेंसीज दी हुई हैं कौन कौन सी है, जैसे जनरल के लिए 42 हैं, इधर जो है हमारी कॉलम सी में जो भी है जैसे मान लीजिए वुमेन के लिए रिजर्व हैं तो वो हैं 12 हैं, वैसे ही हमारी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हैं, फिर ये शेड्यूल्ड कास्ट RO के लिए, फिर आगे बैकवर्ड, ऐसे सारी डिटेल में जो है इनके दी हुई है, टोटल हमारी है 107। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, अब ये हैं हमारे जो कैटेगरी वाइज कोड दिए गए हैं, जो भी आप अपनी उसमें जब आप फॉर्म फिल करोगे उसमें आप कोई भी जो कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो आप उसमें आपको वो कोड आपको उस कैटेगरी के हिसाब से आपको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, जो आपकी है रिजर्वेशन की जो पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी जब आपने फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले इसका आपने डिटेल नोटिफिकेशन जो हमने अपने टेलीग्राम के चैनल RS लर्नर्स में डाला है, तो आप वहाँ पे जाके इसका डिटेल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आप फॉर्म फिल करें। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो इसकी है सबसे पहले आपकी जो तनख्वाह रहेगी, तनख्वाह की ये अपना ये जो हमारा है ऊपर वाला ही है जो हमारा हमने जो कहा है इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो आपकी जो तनख्वाह है कौन सी रहेगी, वो है आपकी जो है 35,400 है जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, और किस जो भी है किस लेवल से है जो कौन से पे स्केल से है तो आपको ये यहाँ पे सब बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें एज, आपकी इसमें जो एज है वो क्या रहेगी, एज जो है हमारी इसमें जो जनरल के लिए है 1837 साल है, 18 से 37 साल, और बाकी जो कैटेगरी वाइज है उनमें रिलैक्सेशन है, वो आप जो भी कैटेगरी वाइज के हिसाब से किस कैटेगरी में आते हैं जिस भी आते हैं तो आप यहाँ से पढ़ के आप जो भी आपके पास रिलैक्सेशन है आप जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी फ़ीस, जो हमारी जनरल के लिए है वो है 1000 रुपीज़। नेक्स्ट आता है हमारे SC और BC के लिए और EWS के लिए, वो है हमें 250, और जो नेक्स्ट आती है हमारे पास EX सर्विस एंड डिपेंडेंट वो है हमारी 200 रुपये, और जो हमारी फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए है 500 रुपये। और जो हमारी नेक्स्ट आती है इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें वही सेम है जैसे पहले था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, इसकी जो लिखती परीक्षा होगी और जो लिखती परीक्षा का सिलेबस होगा वो जब भी वेबसाइट पे आएगा हम वो ऑफिशियली आपको बता देंगे साथ ही साथ ही, और इसमें जो है जैसे हमने बताया MCQs होंगे जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होते हैं,
और जो इसकी अप्लाई करने की वो है वे है वो क्या है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.punjab.gov.in पे जाके आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और इसका जो ऑफिशियली लिंक है अप्लाई करने का, वो हम आपको हमारी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वहाँ से क्लिक करके वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी थी जो हमारी नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हमारी सारी जो है हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके बाद भी कुछ हैं। तो आपने जो भी जिसका डिटेल नोटिफिकेशन है, हम अपनी जो टेलीग्राम का चैनल है आरएस लर्नर्स भी अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जो अभी अभी ही आया है कुछ मिनट पहले, 5-10 मिनट पहले, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो रेगुलरली आ रहे हैं और जो नए भी आ रहे हैं, अगर वो कुछ भी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर की, या मान लीजिए जो भी मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स, हम और भी सब्जेक्ट्स लेके आएंगे, इंग्लिश और रीजनिंग, वो थोड़ा टाइम है उसमें, वो भी लेके आएंगे हम। और जो हम गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, या हम कोई भी अपडेट जो हम साथ के साथ हम आपके साथ शेयर करते हैं, अगर वो आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इस एक्साइज इंस्पेक्टर की जो पोस्टें निकली हैं इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर उनके पास ये नोटिस नहीं पहुंचा है, आपके शेयर करने से वो उनके पास पहुंच जाएगा और वो अप्लाई कर सकेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।